आज भी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, हो सकता है उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी हेडक्वार्टर में होगी मीटिंग, यूपी के उम्मीदवारों पर हो सकती है चर्चा। सूत्रों के मुताबिक बिहार के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा पूरी, आज की यूपी के प्रत्याशियों पर हो सकती है चर्चा। छत्तीसगढ़ के सभी मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए, सूत्रों के हवाले से खबर। वाराणसी से पीएम मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी के टिकट तय। बिहार में बेगूसराय से गिरिराज सिंह, पूर्वी चंपारण से राधामोहन सिंह को मिलेगा टिकट। पीएम मोदी आज 25 लाख चौकीदारों से बात करेंगे, शाम 4 बजे ऑडियो ब्रिज के जरिए संवाद का कार्यक्रम। प्रियंका वाड्रा की आज बोट यात्रा, आखिरी चरण में वाराणसी पहुंचेगी, काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगी दर्शन। काशी में चुनाव अभियान शुरू करने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका वाड्रा से होली खेलकर शुरुआत करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुलाल और रंग इकट्ठे किए। प्रियंका वाड्रा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आवास पर भी जाएंगे, अस्सी घाट पर स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। बिहार के महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बात बनी, कांग्रेस 11 के बजाय 9 सीट पर लड़ने को तैयार, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में आरजेडी 20 सीटों पर उतारेगा उम्मीदवार, आरएलएसपी को 4 सीटें मिली, जीतन राम मांझी की पार्टी को भी 3 सीट मिली, शरद यादव की पार्टी को भी 2 सीटें दी गई। गोवा में आज सावंत सरकार का शक्ति परीक्षण, सुबह 11 बजे विशेष सत्र में होगा फ्लोर टेस्ट। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 21 विधायकों के समर्थन होने का दावा किया, 12 बीजेपी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के 3-3 सदस्य, 3 निर्दलीय विधायक शामिल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का मोदी शाह को चैलेंज, संस्कृत मंत्रों का कर ले मुकाबला, पूजा करने का मतलब सिर्फ तिलक लगाना नहीं। लोकसभा चुनाव पर महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, बोली जब तक चुनाव है तब तक बॉर्डर पर गोलियां चलती रही। चुनाव आयोग की सभी राजनीतिक दलों को ताजा एडवाइजरी, चुनाव प्रचार के दौरान सेना की कार्रवाई से जुड़ी बात नहीं की जाए। सोशल मीडिया के लिए भी बनेगी आचार संहिता, सोशल मीडिया संगठनों और चुनाव आयोग की बैठक में फैसला। गुजरात में गांधीनगर के डीएम ने चुनावी मिमिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया, कहा किसी भी नेता का मजाक उड़ाना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। ट्रिपल तलाक की लड़ाई लड़ने वाली इशरत जहां पश्चिम बंगाल के उलबेरिया से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं, टिकट मिलने पर जीत का दावा किया। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो को चुनाव आयोग ने दिया नोटिस, टीएमसी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के साथ गाना गाने के लिए शिकायत दर्ज। जर्मनी ने यूरोपीय यूनियन में मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने की पहल की, ईयू के सदस्य देशों के संपर्क में है जर्मनी। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सरगना सैयद सलाहुद्दीन की जम्मू कश्मीर में 13 संपत्तियां जब्त, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने 1,22,00,000 की संपत्ति कब्जे में ली। ईडी के मुताबिक सलाहुद्दीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के उल्लंघन का मामला पाया गया, आतंकियों को करता है फंडिंग। देश के पहले लोकपाल बने जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, राष्ट्रपति कोविंद ने की नियुक्ति की घोषणा। लोकपाल के 8 सदस्यों की नियुक्ति की भी घोषणा हुई, 4 न्यायिक सदस्यों के साथ 4 अन्य सदस्यों के नामों पर भी लगी राष्ट्रपति की मुहर। भगोड़े नीरव मोदी के लंदन से प्रत्यर्पण की कोशिशें हुई तेज, 25 मार्च से पहले कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद प्रत्यर्पण में लग सकता है वक्त, नीरव मोदी पर लंदन की कोर्ट ने जारी किया है गिरफ्तारी वारंट। गिलानी के दामाद से जेल में पूछताछ की इजाजत मांगने पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई, टेरर फंडिंग मामले में अल्ताफ से पूछताछ करना चाहती है ईडी। 2007 में हुए समझौता ब्लास्ट मामले में पाकिस्तानी महिला की याचिका पर आज होगा फैसला, पंचकूला की स्पेशल एनआईए कोर्ट करेगी फैसला। मध्य प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से झटका, पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने के फैसले पर रोक। जबलपुर हाईकोर्ट ने कमलनाथ सरकार को नोटिस जारी किया, मांगा जवाब। कर्नाटक के धारवाड़ में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, 2 की मौत, कई के फंसे होने की आशंका। मुंबई के सीएसटी पर ब्रिज हादसे में गिरफ्तार नीरज देसाई को 25 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया, नीरज की कंपनी ने पुल को सुरक्षित करा दिया था। रोहतक गैंगरेप केस के 7 दोषियों को मिलेगी फांसी की सजा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मुहर लगाई। 2015 में एक युवती के अपहरण, रेप और हत्या के दोषी हैं 7, कोर्ट ने इस घटना को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सबसे ओले बरसे, ओलों और बारिश की वजह से फलों और फसलों को नुकसान पहुंचा है, किसानों ने मुआवजे की मांग की।
दिल्ली के शास्त्री नगर से 13 साल की नाबालिग लड़की शीला लापता, जुलाई 2014 से लापता है। सूचना देने वाले को 1,00,000 रुपए इनाम का ऐलान, दिल्ली पुलिस ने फोन नंबर और तस्वीर जारी की। गौतम गंभीर की टीम इंडिया को सलाह, कहा मौजूदा हालात में पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार करें। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 40 जवानों के सम्मान में सीआरपीएफ नहीं मनाएगा होली, ना ही होगा कोई आधिकारिक कार्यक्रम। दिल्ली में होली के दिन सुबह में नहीं चलेगी मेट्रो, सभी लाइनों पर दोपहर 2:30 बजे से मेट्रो सेवाओं का संचालन शुरू होगा। होली को लेकर दिल्ली पुलिस ने चेतावनी जारी की, किसी अनजान पर रंग पानी डाला तो बच्चों और उसके अभिभावकों पर कार्रवाई होगी। यूपी के बलिया में ग्रामीणों पर तेंदुए ने किया हमला, ग्रामीणों को बचाने गए दारोगा समेत 4 लोगों को किया घायल, अब तक नहीं पकड़ा गया तेंदुआ।